मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कक्षा पांचवी की छात्रा हूँ। आज मैं कारगिल युद्ध में लड़ने वाले एक ऐसे वीर शहीद के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने हमारी और भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन वीर शहीद का नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 में हुआ था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रहने वाले थे। 1997 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा परमवीर चक्र जीतने के लिए। उनकी टीम को दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। खून से लथपथ होने के बाद भी कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कई चोटियों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, जो सेना का सबसे बड़ा सम्मान होता है। धन्यवाद। जय हिंद।